अगली खबर है एनिमल किंगडम से। अभी अभी पता चला है कि सुंदरवन में रहने वाले और सबसे लंबे होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले जेम्स जिराफ के गले में पतंगा अटक गई है। देखा कैसे सांप की तरह पतंग जिराफ के गले में फंस गई है। पतंग फंसने के बाद क्या हुआ ये बताएगी रिपोर्टर रूबी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिपोर्टर रूबी और मुझ में है कई सारी खूबी। देखे यही वो जगह है जहाँ जेम्स जिराफ के गले में एक पतंग आकर फंस गई थी। मैंने जेम्स जिराफ से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो पेड़ के ऊपर की पत्तियां खा रहा था तभी अचानक से एक पतंग आकर मेरे गले से लिपट गई। आपको तो पता है ना कि पतंग की दौड़ कितनी तेज होती है, उससे हमारी उंगली भी कट सकती है। अगर जल्दी से जल्दी जेम्स जिराफ के गले से ये पतंग नहीं निकाली गई तो उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि कोई जल्दी से जल्दी आकर जेम्स जिराफ के गले से वो पतंग निकाल दे। देखा आपने जिराफ भाई कितने परेशान थे। हमें पतंग उड़ाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि किसी पंछी या जानवर का गला कट ना जाए। दोस्तों अभी अभी एनिमल किंगडम से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, सुनिए रिपोर्टर रूबी इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों आज सुबह जेम्स जिराफ के गले में एक पतंग आकर फंस गई थी और वो खतरनाक दौड़ उनका गला भी काट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, अभी अभी पता चला है कि बबलू बंदर ने बड़ी आसानी से वो पतंग निकाल दी। जी हाँ, जिराफ की हाइट बड़ी होने के कारण कोई उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बबलू बंदर पेड़ पर चढ़ के उसकी गर्दन तक पहुंच गया और वो पतंग आसानी से निकाल दी। तो सब स्नेक बंदर के लिए तालियां बजाइए। ये देखा फ्रेंड्स, जैसे बंदर ने जिराफ की मदद की वैसे हमें भी हमारे आसपास फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छे काम की सब तारीफ करते हैं।